हेलो एवरी वन वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी नेम इज शिफाली एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एम एट प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्रूव द रेसिपियंट्स परफॉर्मेंस और टू हेल्प हिम अटेन अ रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एक्टिविटी होती है जिसका मेन एम होता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस ना उनकी किसकी इम्प्लॉयज़ की रेसिपियंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और उनको एक इस काबिल बनाना कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही Uh, काम कर पाए ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही उसको उसकी इस, स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और उसको उससे काम को अच्छे से पॉलिश किया जाता है जिससे कि वो ए, अपनी हंड्रेड परसेंट दे पाए और उसका प्रोडक्टिविटी निकल कर आ पाए ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस टू इंक्रीज स्किल्स एंड नॉलेज ट्रेनिंग क्या करता है ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसकी स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज़ करने का काम करता है ओके okay? आपने सुना होगा कई बार बहुत सी ऐसी जॉब है जहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाती है जिसके बाद उनको फिर जॉइनिंग में रखा जाता है जैसे कि आर्मी आर्मी में आप सुन आपने सुना होगा पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें उन्हें उनकी दौड़ करवाई जाती है और उनका फिज़िकल ट्रेनिंग होता है ठीक है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो आगे काम करने के लिए स्ट्रॉग हो पाए और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जहाँ पर उन्हें सिक्स मंथ की या वन ईयर की या फिर और लंबी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें हर तरीके से उन्हें हर नॉलेज दी जाती है मशीन्स की और और जिस तरीके से काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उस सब की नॉलेज दी जाती है जिससे कि वो अपना अच्छा काम वहाँ पर कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए जिससे इम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल तो इम्प्रूव होती ही है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसका जो बिजनेस है वो अच्छा काम करे और अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे तो वहाँ के एम्प्लॉज़ को अच्छे से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है अगर वो अच्छे से ट्रेंड होंगे उन्हें अपने काम की अच्छी नॉलेज होगी एक्सपीरियंस होंगे तो वो अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे और बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे तो ट्रेनिंग क्या करती है एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है उन्हें बेहतर एम्प्लॉय uh, बनाती है और उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए बनाने में पूरी हेल्प करती है ओके ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव दी ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ़ द एम्प्लॉय तो डेवलपमेंट में क्या होता है एम्प्लॉय की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट uh, की जाती है जबकि ट्रेनिंग में क्या होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम किया जाता है उसकी स्पेसिफिक स्किल पर काम किया जाता है अभी हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे इसका डिफरेंस में सो एट द करेंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर दैम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फ्यूचर उन्हें इस तरीके से uh, तैयार किया जाता है उनकी uh, स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है उनकी पर्सनैलिटी पर उनकी उनके मेच्योरिटी लेवल को देखा जाता है उनका कम्युनिकेशन लेवल उस तरीके से हर चीज़ पर उनका मतलब ओवरऑल ए टू जेड जो भी है उनका पूरा उनका जो है उस पर काम किया जाता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो आगे आने वाली जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलटीज़ हैं उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए ओके तो डेवलपमेंट क्या है ये ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस पर काम करता है इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ़ एन इंडिविजुअल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइक पर्सनैलिटी मेच्योरिटी एट्सट्रा तो डेवलपमेंट क्या करता है ये इंडिविजुअल पर्सन की या एम्प्लॉय की जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर काम करता है ठीक है उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है उसकी मेच्योरिटी लेवल उसका कम्युनिकेशन स्किल क्या है वो अपने अदर इम्प्लॉयज़ और कलिग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रखता है उसका कैपेसिटी पेशेंस लेवल क्या है इन सभी चीज़ों पर अच्छे से काम किया जाता है जिससे कि वो आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी काम है और जो uh, ज़्यादा जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो अच्छे से हैंडल कर पाए और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उन चीज़ों को फेस करने में तो इस तरीके से डेवलपमेंट काम करता है आई होप आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बीच में क्लियर हो गया होगा और अभी अभी हम आगे अच्छे से समझते हैं जी हाँ तो दिफ्रेंस, दिफ्रेंस अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस क्या करता है ट्रेनिंग डेवलप स्पेशल स्किल रिलेटेड टू तो जॉब ट्रेनिंग क्या करता है एम्प्लॉय की जो जो स्किल है वो जॉब से रिलेटेड उसको डेवलप करने का काम करते हैं ओके मतलब किसी जॉब में एक स्पेसिफिक स्किल को इम्प्रूव करके उसको उस फील्ड में अच्छा बनाया जाता है उसको उस तरीके से उसको सिखाया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है ओके जबकि डेवलपमेंट क्या होता है डेवलप develop, डेवलपमेंट में टू डेवलप अ बेटर पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर जो एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर काम किया जाता है उसको बेहतर बनाने के के ऊपर काम किया जाता है ठीक है तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि स्पेसिफ़िक स्किल कर को फोकस किया जाता है और डेवलपमेंट में उसके बेटर परफॉर्मेंस उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल उसका डेवलप किया जाता है ठीक है ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस अभी ट्रेनिंग क्या है एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि एक जो जॉब होती है उसके जॉब uh, के अकॉर्डिंग उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसको एक इंडिविजुअल पर्सन को या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है जो जॉब से ही रिलेटेड होगी सिंपल सी बात है जबकि डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब कि इसमें किसी स्पेसिफिक फील्ड पे काम ना करके ओवरऑल करियर की करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जहाँ पर आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको ये फ़ायदा ही करेगी तो ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है आपको एक बेटर पर्सन बनाती है जो आपको हर फील्ड में हेल्प करती है आगे बढ़ने में ओके okay? द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही की जाती है और जॉब ओरिएटेड होती है इसलिए इसका फील्ड जो है स्कोप जो है वो लिमिटेड है ओके जबकि डेवलपमेंट द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल होता है उसकी पर्सनैलिटी पर उसकी मिच्योरिटी लेवल पर उसके अदर जो क्वालिटीज़ है उस पर काम किया जाता है तो ये क्या है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है और इसका स्कोप भी ब्रॉड हो जाता है और ये आपको आगे हर फील्ड में काम आता है ट्रेनिंग इज़ रिलेटेड टू वर्क ट्रेनिंग क्या होती है एक वर्क से रिलेटेड होती है आप जिस भी काम के काम को सीख रहे हो या फिर आप जिस भी जॉब में हो तो उसमें जिस हिसाब का काम है उस पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कैसे काम करना है कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है तो ये क्या है वर्क uh, से रिलेटेड होती है वहीं पे डेवलपमेंट क्या होता है या पर्सन से रिलेटेड होती है मतलब कि एक पर्सन के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है उसकी ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट को उसको पॉलिश किया जाता है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और उसे ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी भी फील्ड में जाए कहाँ भी जॉब करे उसको वो हमेशा काम आती है ओके okay, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्लियर हो गई ना आपको डिफरेंस हाँ तो अब नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ़ ट्रेनिंग अब ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम उनको जान लेते हैं देखिए ट्रेनिंग जो है वो क्या करती है हेल्प्स इन एड्रेसिंग एम्प्लॉय वीकनेस कोई भी इम्प्लॉई है जब उसको ट्रेन किया जाता है तो उसकी वीकनेसेस को देखा जाता है कि उसकी किस फील्ड में वो वीक है वो कहाँ पर लैक कर रहा है उस हिसाब से उसको असिस्ट किया जाता है उसकी वीकनेसेस को आ, हटाया जाता है और उसको एक स्ट्रांग और उस जिस भी फील्ड में वो लैक कर रहा है उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज दी जाती है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और उसकी उन वीकनेसेस को दूर करने का काम ट्रेनिंग करती है इम्प्रूवमेंट इन वर्कर्स परफॉर्मेंस ट्रेनिंग क्या करती है इम्प्रूवमेंट करती है वर्कर्स की परफॉर्मेंस को वर्कर्स जो जॉब में काम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम क्या करता है ट्रेनिंग करता है अभी उन्हें मान लीजिए कोई आ, काम ऐसा है जैसे कुछ मशीन्स होती है जिनके बारे में उन्हें नहीं पता है कि उसे कैसे चलाना है या फिर कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को कैसे मैनेज करना है तो इसके लिए उन्हें बताया जाता है उन्हें स्टेप बाई स्टेप ट्रेन किया जाता है जिससे कि वो अपने काम को अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से कर पाए और उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाए अब प्रॉपरली ट्रेंड एम्प्लॉय इज़ मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस टास्क उसको बहुत सारे टास्क के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है उसको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी दे पाए कंसिस्टेंसी इन ड्यूटी परफॉर्मेंस इसमें ट्रेनिंग क्या करती है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से काम करे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए और उसको कंसिस्टेंट बना ट्रेनिंग प्रोग्राम गिव द वर्कर्स कॉन्स्टेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जब एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है तो उसे कंटिन्यूसली या फिर एक तरीके से क्या दे सकते हैं लगातार उसको अपडेट रखा जाता है आने वाली जो भी न्यू चीज़ें हैं इनोवेशन हैं उनसे उन्हें अपडेट रखा जाता है जिससे कि उन्हें आगे फ्यूचर में फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और वो हर काम से फेमिलियर होकर उस काम के बारे में जान रहे हों और उसे अच्छे से कर पाए इस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखा जाता है उन्हें हर तरीके की नॉलेज दी जाती है और उन्हें एक्सपीरियंस बनाया जाता है जब वो हर तरीके से ट्रेंड होंगे अपडेटेड रहेंगे तो फिर उन्हें काम करने में दिक्कत भी नहीं होगी टीम स्पिरिट हेल्प इन इनकलकेटिंग द सेंस ऑफ टीम वर्क एंड इन एंटर टीम कोलाबोरेशन एक ट्रेनिंग के टाइम बहुत सारे एम्प्लॉय साथ में ट्रेनिंग आ, कर रहे होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि आप साथ में कैसे काम करें कैसे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है कैसे जॉब में ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना कर रखना है और किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर करना है उन सब चीज़ों पर काम किया जाता है और उन्हें टीम स्पिरिट जो है सिखाई जाती है जिससे कि वो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रखे और अच्छे से काम करे ठीक है इंक्रेज प्रोडक्टिविटी द इम्प्लॉय एक्वायर्स ऑल दी नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर बेटर प्रोडक्शन ट्रेनिंग क्या करती है जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करती है द इम्प्लॉय एक्वायर्स ऑल दी नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर बेटर प्रोडक्शन उन्हें हर तरीके की ऐसी नॉलेज और स्किल्स को um, उनकी इम्प्रूव किया जाता है उन्हें बैटर प्रोडक्शन uh, दिया जाता है उन्हें अच्छे से बताया जाता है कि कैसे काम करें जिससे कि उनके जो uh, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से हो और वो बेटर प्रोडक्शन दे पाएं ठीक है तो मतलब कि उनको इस तरीके से इंप्रूव किया जाता है उनके स्किल्स पर काम किया जाता है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए uh, अच्छा काम करें मैक्सिमम प्रॉफिट uh, दे पाएँ ठीक है प्रोडक्टिविटी उनकी निकल कर आती है तो ट्रेनिंग क्या करती है उनकी हुनर को उनके स्किल्स को उनके नॉलेज को पॉलिश करने का काम करती है और उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो फ्यूचर में जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है या फिर करंटली जो चल रहा है उसको वो अच्छे ढंग से कर पाएँ और बिना किसी स्ट्रेस के अपने काम को अच्छे से कर पाएँ तो ट्रेनिंग इन सभी चीज़ों में उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है ओके हाँ जी तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर जहाँ तक हमने जाना उससे हम क्या पता चलता है कि ट्रेनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग एंड कैन नॉट बी स्किप्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ब्रिंग आउट मैक्सिमम फ्रॉम इट्स एम्प्लॉज कोई भी um, ट्रेनिंग क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग का और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेनिंग को स्किप नहीं कर सकती अगर वो चाहती कि एम्प्लॉयज़ उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा काम करें और उसके बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम uh, अपना आउटपुट दे ट्रेनिंग क्या करती है इंप्लॉइज़ को इम्प्रूव करने का काम करती है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है और उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ और उसके लिए अपना हंड्रेड परसेंट दे पाएँ ऑल्सो ट्रेनिंग शुड भी प्रोवाइड एक्यूरेटली अदरवाइज एट लीस्ट टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ट्रेनिंग उन्हें जब भी दी जाती है तो उन्हें एक्यूरेटली दी जाती है मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स कर दी जाता है कि इतने टाइम में उनको सीखना है और और उन्हें उस काम के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाए और उन्हें उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो पाए अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि रिसोर्सेज का तो वेस्टेज होता ही है साथ में वो अपना जो जो काम है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं ओके तो ट्रेनिंग जब भी दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो वो देखा जाता है कि वो एक्यूरेट वे में हो और बिल्कुल अच्छे से उनको ट्रेन किया जाए जैसे कि किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए और वो अपना हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए ठीक है अगर वो ऐसा नहीं करते या फिर जल्दी जल्दी जल ट्रेनिंग सोचते हैं कि लाओ शॉर्ट पीरियड में ट्रेन कर दिया जाए उन्हें बता दिया जाए समझा दिया जाए शॉर्टकट वे में तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज का तो रिसोर्सेज़ का तो वेस्टेज होता ही है टाइम का वेस्टेज भी होता है और प्रोडक्टिविटी भी 100% परसेंट निकल कर नहीं आ पाती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉइज़ को एक वैलिड जो टाइम पीरियड होता है जितनी उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उन्हें उस टाइम में एक्यूरेट वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और उनका उनको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो उस तरीके से उन्हें इंफॉर्म किया जाए उन्हें उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए जिससे कि वो अपना हंड्रेड दे तो ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में अपना कमेंट अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो